आधा 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। आईआईटी मद्रास इंक्यूबेटेड फर्म ने जेएएनटी के ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड की मदद से एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है। डेवलपर्स ने इसे बीएचएआर ओएस नाम दिया है। यह घोषणा की है कि यह ओएस देश के 100 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स को लाभान्वित कर सकता है। यह सॉफ्टवेयर कमर्शियल ऑफ द सेल्फ हैंडसेट पर इंस्टॉल किया जा सकता है। डेवलपर्स दावा कर रहे हैं कि ओएस को यूजर्स को अधिक सुरक्षित अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत के बिहार राज्य के मधुबनी जिले में एक ऐसा बाजार सस्ता है जहां दूल्हे बिकने के लिए खड़े होते हैं। लड़की वाले आते हैं और उनकी बोली लगाकर उनसे अपनी बेटी की शादी करते हैं। यह बाजार दशकों से लगता रहा है और यहां के लोग इसे एक परंपरा की तरह निभाते हैं। इस बाजार का नाम है सौराठा सभा। यह बिहार के मधुबनी में हर साल लगता है। यह बाजार जून से जुलाई के महीने में लगता है। महाठक सुकेश चंद्रशेखर का जेल से लिखा हुआ एक और खत सामने आया है। सुकेश ने अपनी चिट्ठी में दावा किया है कि नूरा फतेही हमेशा जैकलीन से जलती थी और मेरा हमेशा ब्रेन वॉश करती थी। नोड़ा ऐसा इसलिए करती थी ताकि मैं जैकलीन से अलग होकर उसके साथ डेट करूं। नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी को लेकर अपनी पार्टी राजद के कोप विभाजन में बने सुधाकर सिंह ने आज फिर मुख्यमंत्री और उनके करीबी मंत्रियों पर तीखा हमला किया। सुधाकर सिंह ने कहा, जनता के वोट से नहीं बल्कि चोर दरवाजे में एमएलसी बने गए लोग बिहार की सरकार चला रहे। उन्हें बिहार के विकास की कोई चिंता नहीं है, वे सिर्फ कुर्सी बचाने की लड़ाई लड़ रहे। बता दें कि सुधाकर सिंह को उनकी पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर रखा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन यानी 23 जनवरी को केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इस अवसर पर अंडमान और निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण किया जाएगा। तो देश के 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे होंगे। बिहार में महागठबंधन से नाराज चल रहे उपेंद्र कुशवाहा के दिल्ली एम्स में बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद सियासी अटकलें तेज हो गई। बिहार से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू छोड़ने की भी चर्चा चल रही है। इधर बीजेपी ने कहा है कि अगर कुशवाहा हमारे साथ आते हैं तो उनका स्वागत रहेगा। दरअसल बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लाकर बिहार में 2024 में 2014 का रिजल्ट दोहराना चाहती है। 2014 में बीजेपी और गठबंधन ने 40 में से 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी के साथ उस वक्त रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा थे। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को त्रिपुरा के 13वें विधानसभा के लिए 16 फरवरी को होने वाले चुनाव की औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है जो 30 जनवरी तक चलेगी। अधिसूचना के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच 31 जनवरी को होगी और उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 2 फरवरी है। बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन के अंदर चल रही राजनीतिक गहमागहमी के बीच आज शनिवार को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मुलाकात के दौरान जदयू नेता की तरफ से शहर को करबला बनाने की बात को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि कट्टरपंथ का कोई जगह हमारी पार्टी नहीं देती है। हमारी सरकार का यह मानना है कि हम लोग सब लोग का सम्मान करते हैं और हमारी सरकार में कट्टरपंथ का कोई जगह नहीं है। कलवाड़ी क्लास की 5वीं सबमरीन आईएनएस वागीर आगामी 23 जनवरी को नौसेना में शामिल हो जाएगी। बता दें कि यह सबमरीन पूरी तरह से भारत में बनी है और मुंबई में बचगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप ने इसमें भारतीय नौसेना की मदद की है। कमांडिंग अफसर दिवाकर एस ने बताया कि आईएनएस वागीर को समुद्र के तट पर और मध्य समुद्र में भी तैनात किया जा सकता है और यह भारतीय नौसेना की सभी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। नीरा का उत्पादन कीजिए, सरकार प्रत्येक परिवार को 1 लाख रुपए तक मदद करेगी, जरूरत पड़ी तो और भी सहायता दी जाएगी। उक्त बातें मुख्यमंत्री ने समाधान यात्रा के क्रम में बोधगया प्रखंड के एड़ा गांव में नीरा उत्पादक समूह द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का निरीक्षण करने के बाद कहा। उन्होंने कहा कि बिहार में वर्ष 2019 में नीरा का उत्पादन शुरू कराया गया। इसके बाद कोरोना का संक्रमण शुरू होने के कारण नीरा का उत्पादन प्रभावित हुआ। सभी जब नीरा का उत्पादन करने लगेंगे तो उनकी आमदनी बढ़ेगी, परिवार के साथ राज्य का भी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वहीं इसके उपयोग से लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि सरकार वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए देश को तैयार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए देश को तैयार करने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जहां समय के साथ बदलाव जरूरी है, वहीं देश के गौरवशाली अतीत से जुड़े रहना भी उतना ही जरूरी है। गया में आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ लेने के लिए लोगों को पसीना बहाना पड़ता है। इस योजना के तहत लाभुकों के इलाज के लिए जिले में 27 सरकारी व 16 प्राइवेट अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। जिले में 2,90,478 लोगों को इस योजना के तहत चयनित किया गया था, पर अब तक महज 2.10 लाख लोगों को ही कार्ड बन सका है। कार्ड बनाने वाले पिछले 9 माह में भारी गिरावट की बात विभाग की ओर से बताई जाती है। मुख्य तौर पर जो कारण सामने आया है वह कार्ड बनाने के दौरान पेचीदगी है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने शनिवार को कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं और देश की सबसे पुरानी पार्टी के बिना कोई भी तीसरा मोर्चा सफल नहीं होगा। वैचारिक और राजनीतिक मतभेदों से अलग वह अपना नेतृत्व कौशल दिखाएंगे और एक बड़ी चुनौती बनेंगे, वह एक करिश्मा करेंगे। पहली भारतीय इंडो जनरल कोविड वैक्सीन 26 जनवरी को लॉन्च होगी। भारत बायोटेक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कृष्णा अल्ला ने शनिवार को इस संबंध में जानकारी दी है। इस वैक्सीन को स्वदेशी वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक ने बनाया है। इससे पहले भारत बायोटेक ने दिसंबर में घोषणा करते हुए कहा था कि इंडो जनरल वैक्सीन को सरकार द्वारा खरीद के लिए 325 रुपये प्रति शॉट और निजी टीकाकरण केंद्रों के लिए 800 रुपये प्रति शॉट के हिसाब से बेचा जाएगा।
साल 1998 में अपहरणकर्ताओं ने अडानी का अपहरण कर लिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अडानी को छोड़ने के लिए फिरौती की मांग की गई थी। पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट के अनुसार अडानी और शांतिलाल पटेल की बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया गया था। इस भयानक घटना के बारे में अडानी ने काफी कम ही बताया। लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा इस घटना के बारे में पूछे जाने पर अडानी ने केवल इतना कहा, 2 या 3 मेरे जीवन में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, यह उनमें से एक थी। हाल ही के एक टीवी इंटरव्यू में अडानी ने कहा था कि जिस दिन किडनैप हुआ उसके अगले दिन ही मुझे छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि किडनैप करने के दूसरे दिन मुझे छोड़ा गया, उस रात भी मैं अच्छी तरह सोया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद को अब इस खेल के लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में शामिल किए जाने की उम्मीद है। आईसीसी ने खेलों के आयोजन समिति को पुरुष और महिला दोनों वर्गों के लिए 6 टीम की T20 प्रतियोगिता की सिफारिश की है। खबर के अनुसार क्रिकेट को शामिल करने वाले फैसला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा अक्टूबर में लिया जाएगा। चीन भारत के खिलाफ नेपाल को लगातार प्रलोभन देता रहा है। चीन केरूंग काठमांडू रेलवे लाइन बिछाने की कोशिशों में जुटा हुआ है, लेकिन भारत ने बाजी पलट दी है। रक्सौल काठमांडू रेल लाइन के लिए भारत ने फाइनल लोकेशन सर्वे तेज कर दिया है। इससे चीन ठगा सा रह गया है। भारत के एक्शन में आने से चीन भी उठापटक में जुट गया है। उसने अपनी चाल को तेज कर दिया है। चीन ने अब केरूंग काठमांडू रेलवे लाइन की संभावना की जांच के लिए अध्ययन शुरू कर दिया है। हालांकि भारत के रक्सौल काठमांडू रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे तेज होने के बाद हमारा काठमांडू तक रेल चलाने का रास्ता साफ हो जाएगा। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा वनडे मैच जीतने के साथ ही सीरीज पर कब्जा कर लिया है। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेले गए मैच में उसने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया। इस हार के साथ ही आईसीसी वनडे रैंकिंग में न्यूजीलैंड का नंबर 1 का ताज छिन गया है। जहां न्यूजीलैंड की टीम नंबर 2 पर आ गई है, वहीं इंग्लैंड की टीम नंबर 1 पर पहुंच गई है। भारतीय टीम नंबर 3 पर है, जबकि इन तीनों टीमों की रेटिंग 1 समान है। युवाओं के लिए संसद के दरवाजे खोलने के लिए कई अहम कदम उठाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी ही एक और पहल के रूप में आगामी 23 जनवरी को 80 युवाओं को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर दिया है। इन युवाओं का चयन पूरे देश से किया गया है, जिनमें 35 लड़के और 45 लड़के शामिल है। इसके लिए एक व्यापक उद्देश्य परक और योग्यता आधारित प्रक्रिया का सहारा लिया गया। वैज्ञानिकों ने मध्य प्रदेश के धार जिले में डायनासोर के 256 जीवाश्म अंडों और घोंसलों का पता लगा है। जीवाश्म अंडे बड़े डायनासोर में से एक शाकाहारी टाइटनोसोर के हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय और मोहनपुर कोलकाता में भोपाल में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ता ने भी मध्य प्रदेश के धार में बाघ और कुछी क्षेत्रों में ओवम इन ओवो या मल्टी शेल अंडों की खोज की सूचना दी है। बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा काट रहे डेरा प्रमुख राम रहीम पिछले 3 महीने में दूसरी बार 40 दिन की पैरोल पर बाहर आया है। राम रहीम की मिली पैरोल पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा बयान दिया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि राम रहीम को पैरोल मिली है, लेकिन अगर पैरोल मिली है तो कोई प्रक्रिया के अंतर्गत मिली होगी और उनका उसमें अधिकार होगा, मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। भारत और फ्रांस के बीच में शुक्रवार को 21वें द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का समापन हो गया। इस अभ्यास को लेकर फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लैनिन ने शनिवार को भारत और फ्रांस की साझेदारी को मजबूत बताते हुए कहा कि इतिहास में हम एक दूसरे के लिए हमेशा से रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना के कारण असुरक्षित इमारतों को गिराने का काम शनिवार को मौसम में सुधार के साथ शुरू हो गया। आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने शनिवार को मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जोशीमठ में भूमि धंसा और भूस्खलन से प्रभावितों के लिए अंतरिम राहत के रूप में 242 प्रभावित परिवारों को 3.62 करोड़ रूपये की राशि वितरित की गई। अधिकारियों के अनुसार जोशीमठ में भूमि धंसने के बाद 849 घरों में दरारें आ गई हैं और 259 परिवारों को अस्थायी राहत केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की प्रमुख परियोजना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहा है। 1386 किलोमीटर 8 लेन राजमार्ग चालू हो जाने के बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा करने में 12 घंटा कम समय लगेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस एक्सप्रेसवे की कुछ तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के वडोदरा विरार खंड से शानदार दृश्य, समृद्ध भारत के लिए दूरी को सीमित करना है। दिल्ली में होने वाली G20 की बैठकों में भाग लेने वाले मेहमानों को ऐतिहासिक धरोहरों से रूबरू कराया जाएगा। G20 प्रेसिडेंसी के तहत सितंबर में होने वाली G20 बैठक में भाग लेने वाले मेहमानों को पुराने किले में हुई खुदाई में मिले ऐतिहासिक साक्ष्यों से रूबरू कराने को तैयारी भी शुरू कर दी गई है। पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ की खोज के मद्देनजर पुराने किले में हाल ही में खुदाई शुरू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की गूंज ब्रिटिश संसद में सुनाई दी है। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री के बीच ब्रिटिश सांसद लॉर्ड करन बिली मूरिया ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में एक है। आज भारत के पास G20 की अध्यक्षता है। आज भारत के पास अगले 25 वर्षों में 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर की GDP के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का विजन है। टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल बॉलीवुड एक्ट्रेस आथिया शेट्टी जल्द ही शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं। शादी समारोह की शुरुआत आज से हो गई है। शादी का फंक्शन 3 दिन तक चलेगा। इस समारोह में कॉकटेल पार्टी, मेहंदी, संगीत, हल्दी समेत कई प्रोग्राम किए जाएंगे। इसके बाद 23 जनवरी को खंडाला स्थित जश्न बंगला में यह दोनों कपल साथ फेरे लेंगे। चाइना सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुख्य महामारी विज्ञानी वू जुन्याओ का कहना है कि चीन में अगले 2 से 3 महीनों में दोबारा कोरोना संक्रमण बढ़ने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि 80% लोग संक्रमित हो चुके हैं। उन्होंने कहा 21 जनवरी से चीन में शुरू हुई लूनर नव वर्ष की छुट्टियों के दौरान बड़ी संख्या में लोग यात्राएं करेंगे, जिससे कुछ क्षेत्रों में संक्रमण बढ़ सकता है। हालांकि दूसरी कोरोना लहर की संभावना न के बराबर है।
रोजमर्रा की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों का बजट बिगाड़ रखा है। आपका भी अगर यही हाल है तो एक तरीका अपनाकर आप अपने खर्च को कम कर सकते हैं। इससे आपकी महंगी बिजली से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको एक बार मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी। अगर आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा लें तो आपको बिजली बिल से छुटकारा मिल जाएगा। सरकार भी ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही है और इसके तहत सोलर पैनल लगवाने के लिए सब्सिडी दे रही है। क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू इन दिनों एक मामले में सजा काट रहे हैं। वह जेल में कैद है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन उनकी रिहाई हो सकती है। कोर्ट ने उन्हें एक साल की सजा सुनाई थी। ऐसा माना जा रहा है कि उनकी 4 महीने की सजा माफ हो सकती है और वह इस दिन जेल से रिहा हो सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रित भी किया है। आपको बता दें कि पंजाब में रिहाई के लिए जिन 51 कैदियों की लिस्ट तैयार हुई है उनमें सिद्धू के नाम भी शामिल है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुगोलू कुमार, महमूद अंसारी, असरफी मंडल, अनवर करीम खान, रविशंकर, भान प्रकाश मौर्य, संजय चौधरी, राजेश कुमार, बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद नौशद राजा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप में से कितने लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा पा रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।